गुड मॉर्निंग। अरे बच्चे लोग को नया टीचर मिला है? नहीं, मैंने आज ही क्लास सेवन लिया। आज के लिए मैंने आप लोगों का क्लास लेने का लिया है ना। आप टेकिंग योर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? टेकिंग योर क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम? बहुत सारे बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे से बच्चे हैं। ओके अच्छा, अभी भी एडमिट नहीं हुए, पहले एडमिट हो लेते हैं ना, सारे बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेते, देन विल स्टार्ट द क्लास। अच्छा मैं आप लोग को अनम्यूट करती हूँ, लेकिन हल्ला नहीं करेंगे ना, एक एक करके अनम्यूट करेंगे अपने आप को, ठीक है? आप एक एक करके, मैं जिनको बोलूंगी वो अनम्यूट करेगा, सबको अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है? जिसको मैं बोलूंगी वो बिल्कुल अनम्यूट करेगा। अनिल श्रीवास्तव अनम्यूट करो, अपने आप को अनम्यूट करना आता है आपको? आपको अनम्यूट करना आता है? मैं कर दू? चलो मैं कर देती हूँ, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनिल, यस मैम। बाकी बच्चे म्यूट नहीं, अनम्यूट नहीं करेंगे, है ना? मैं एक एक करके बच्चों से बात करती हूँ। ओके टुडे हम आज इंग्लिश क्लास में हम लोग आज वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है? प्रिंस यादव आपने अनम्यूट कर लिया, मैंने मना किया था। ओके हम लोग ना वर्ड फॉर्मेशन देखेंगे। वर्ड फॉर्मेशन आपको मतलब समझ में आया? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है शब्दों को बनाना, है ना? हाउ टू मेक वर्ड्स, हम वर्ड्स कैसे बनाएंगे? आपको मेरे पीछे बहुत सारे अल्फाबेट्स दिख रहे हैं, दिख रहे हैं? ई एफ जी। हाँ ये सारे अल्फाबेट्स हैं, है ना? दीज आर द अल्फाबेट्स, ये हमारे अल्फाबेट्स हैं, और इन्हीं को जोड़ के हमारे वर्ड्स बनते हैं, इन्हीं को जोड़ के हमारे वर्ड्स बनते हैं, बनते हैं ना? आप लोगों ने एलकेजी में पढ़ा है कि हाउ टू मेक वर्ड्स, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लाइक दैट। बट अब तो आप केजी क्लासेस में नहीं है, आप तो यूट्यूब पर केजी में, यू मस्ट नो समथिंग मोर देन दिस। तो आज मैं ना सोची मैं आप लोगों को बताऊं कि हाउ टू मेक वर्ड्स, हम वर्ड्स कैसे बनाते। आपने पढ़ा है, आपके इंग्लिश की बुक में ये वर्ड्स है, आप जाने कि अच्छा मैं जिसको अनम्यूट करती हूँ वो बताएगा। मैंने अभी फिर अनमोल कुमार अनम्यूट करो अपने आप, अनमोल कुमार अनम्यूट करो, जो लोग अनम्यूटेड है वो लोग म्यूट कर लेंगे। अनमोल कुमार अनम्यूट करो, नहीं हो पाए लेकिन बात नहीं करना, ध्यान इस चीज का रखना, बात नहीं करेंगे। अगर आप अनम्यूटेड हैं तो आपसे बात नहीं होनी चाहिए, ओके? चलो अनमोल ने अनम्यूट नहीं किया, एनीवेज हाँ कर लिया। अनमोल मुझे ये बताए कि यू नो अबाउट द अल्फाबेट्स, यू नो अबाउट द अल्फाबेट्स, हमारे इंग्लिश कितने अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? अनमोल Are you there? हाँ अनमोल बताइए मुझे, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? स्वर बताइए अनमोल आप, हाँ बोलो स्वरा गुप्ता बोलो, हाँ 26, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो वी आर हैविंग 26 अल्फाबेट्स, आउट ऑफ दिस 26 वी हैव गॉट 5 वॉवल्स, 5 वॉवल हैं, बताइए आप मुझे, बताएंगे अनमोल? 21, आप सभी लोग बात करना शुरू करेंगे तो फिर आपको म्यूट करना पड़ेगा, अगर आप बात करेंगे तो फिर म्यूट करना पड़ जाएगा। स्वरा गुप्ता अनम्यूट करो अपने आप, स्वरा गुप्ता अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। Yes, sir. Do you know the alphabets के सामने we have got 5 vowels, A, E, I, O and U. These are the 5 vowels. vowels हैं. And rest is अनमोल, अनमोल मेरी बात सुन नहीं रहे बेटा, आपका ध्यान कहीं और है अनमोल? बेटा मैं जो बता रही हूँ पहले मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो उसके बाद बताते हैं, है ना? तो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में वी हैव गॉट 5 वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ एंड यू। Everybody knows this. सबको पता है, पता है नहीं पता अनमोल, पता है ना? Yes ma'am. Okay. वेदिका ने जवाब दिया है Yes ma'am. Okay. So आज हम लोग क्या करेंगे? इन vowels को रोकेंगे और use करते हुए we'll make 3 letters word. हम 3 letters के word बनाएंगे.
ओके लेट्स सी. चलो पहले तो मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि मैं तो रेगुलर क्लास आपकी लेती नहीं हूँ, तो आपके लिए मैं बोलती हूँ कि आप एक रफ कॉपी लेके बैठे. एवरीबडी टेक अ रफ कॉपी. आप एक रफ कॉपी ले लीजिए. एवरीबडी टेक अ रफ कॉपी. सभी बच्चे अपना रफ कॉपी ले. आई बी शेयरिंग अ स्क्रीन. बड़ा मजा आएगा देखो. फिर आप बोलोगे ना. आई लेट यू ऑल्सो स्पीक. है ना. चल पहले मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ. इस बीच में कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा जब तक मैं नहीं बोलती. ओके फर्स्ट लिसन टू टीचर्स. ये अच्छी हैबिट होनी चाहिए आपको कि आप टीचर्स की बात सुनो. ओके तो आपको पहले टीचर्स की बात सुनना पड़ेगा. है ना. और स्क्रीन पे हाथ नहीं देना है. आज हम लोग क्या करेंगे देखो. आज हम लोग करेंगे थ्री लेटर्स वर्ड. आप बोलेंगे मैम. अच्छा मुझे यहाँ पे रक्षित बताओ आपको कुछ दिख रहा है. मैं कुछ लिख रही हूँ बोर्ड पे आपको दिख रहा है. नो मैम. कुछ नहीं दिख रहा. नो मैम. वेरी गुड. थ्री लेटर वर्ड. अब दिखा. हेलो वेरी गुड. सो हमने अभी आपको थ्री लेटर वर्ड्स. वेरी गुड. ओके हम लोग कैसे लिखेंगे वर्ड्स बेटा. बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे. अगर आप बात करेंगे तो कैसे सुनेंगे बताया. अगर आप बात करेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे. पहले तो आपको बात करेंगे. सब याद होना चाहिए. पहले तो आप शांत रहेंगे. आप बात करेंगे तो आप नहीं सुन पाएंगे. इसलिए बात नहीं करना. पहले जो मैं बता रही हूँ पहले सुनो कि मैं क्या बता. ठीक है. तो थ्री लेटर वर्ड्स दिख रहे हैं आपको. आपको वर्ड कैसे लिखना है. हाउ यू हैव टू राइट वर्ड. बाकी आप बोलेंगे. मैं नहीं बोलूंगी. आप ही बोलेंगे. जैसे कि वर्ड ऐसे बनना है कि यू हैव टू राइट 1 C. यू हैव टू राइट 1 consonant प्लस 1 vowel. कॉन्सोनेंट प्लस 1 vowel प्लस 1 consonant. अब बोलोगे मैम ये कैसे. हाँ देखो हम पहला लिखते हैं. ऐसे ही वर्ड बनेगा. यही फॉर्मेट होगा. क्या होगा. ए साउंड वर्ड. आपको आता है. अब हम लोग ए वाले वर्ड्स लिखेंगे. आप बताएंगे मुझे. जैसे मैंने आपको एक वर्ड लिख दिया यहाँ पे CAP. सी क्या है. वॉट इज सी. वॉट इज सी बताओ. कार्तिक सेना. वॉट इज सी. कॉन्सोनेंट. त्रिशु पंकज ने कहा है कॉन्सोनेंट. वेरी गुड. त्रिशु अनम्यूट करो. अनम्यूट करो. सी क्या है. फिर म्यूट कर लिया बेटा. अनम्यूट करो. मैम कॉन्सोनेंट. वेरी गुड. अब पी क्या है. एंड व्हाट इज पी. कॉन्सोनेंट. वेरी गुड. अब बीच में ए क्या है. वेरी गुड. तो हमारा फॉर्मेट क्या है. थ्री लेटर वर्ड्स बनाना है जिसमें कि पीछे कॉन्सोनेंट, बीच में वाल, फिर पीछे कॉन्सोनेंट. तो पहले हम लोग ए से शुरू करने वाले. ओके हम लोग ए से शुरू करने वाले. चलो ये है पहला. क्या दूसरा बताओ. दूसरा ऐसा ही वर्ड जिसमें आगे कुछ दूसरा हो पीछे कुछ और हो. ए बीच में होना चाहिए. सीएपी क्या. दूसरा वर्ड क्या हो सकता है. कौन बोलेगा. हाथ उठाओ. सत्यम कुमार बताओ. सत्यम कुमार बताओ. बैगमैन. सीएपी क्या. बैगमैन. हाँ मैम. टीएपी. बैगमैन. वेरी गुड. यस टीएपी टैप. एकदम सही. टीएपी टैप. और दूसरा तीसरा बताओ. एनी मोर वर्ड. टीएपी टैप. मैम बताओ. कुछ भी बताओ. मैम कैम. अर्णव शुक्ला बोलू. कैसे बताऊंगी. तीसरा वर्ड क्या होगा. मैम
देखो मैं बताती हूँ, सी ए पी कैप, टी ए पी टैप, एम ए पी मैप, एल ए पी ए साउंड वर्ड बोल रही हूँ, वही एम ए पी यहाँ पे लैब होता है ठीक। और आप दूसरा बताओ, हमने चार लिख दिया, एक और बताया कोई मिला नहीं। अरे ये तो आप लोगों का टेस्ट था ना बेटा, आप दूसरा सेकंड देखो, फिर लिखते हैं पी ए टी बैट, इसके बाद क्या होगा बता। आर ए टी बैट, वेरी गुड। नेक्स्ट सी ए टी कैट, वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट बताओ, एच ए टी हैट होता है, एच ए टी हैट होता है, यस मैम, ओके वेरी गुड। और बताओ और बताओ, और भी किसको आता है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं सी एन कैन, सी एन कैन इसका बताओ, रैमिक सी एन कैन, बोली 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 जल्दी जल्दी बोलिए। आइए अभिरूप सिंह बोलिए, अभिरूप सिंह बोलिए, काव्या सिंह बोलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या होगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या हो सकता है, डोना क्या होता है, यस आर्यन, देख लो वर्ड्स आपको आते थे है ना, वेरी गुड। अब एक और करते बी ए डी बैड क्या होगा, बी ए डी बैड क्या होगा, आप पापा को क्या पुकारते हो, बी ए डी डैड बोलते हो, डैड यस मैम। फिर बी ए डी सैड, हम एस ए डी सैड, हम जो होते हैं एस ए डी सैड, ओके वेदिका कुमारी तीसरा बोलो, चौथा बोलो, एक और बताओ, एक और बता दो, बोलो मैं भी बोलू, एक और वर्ड बता दो, एक और वर्ड बता दो, सैड सैड सैड, एक और वर्ड क्या हो जाएगा बोलो। देखो थोड़ा हेल्प करती हूँ वेदिका को, ये है एच ए डी हैड होता है ना, आई हैड अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल था, ठीक है बोलो वेदिका, किसको मेरी आवाज नहीं आ रही, किसी को मेरी आवाज, एम ए डी मैड, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलो मैं इसको भी ऐड करती हूँ, एम ए डी मैड, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक और, एक और, एक और, एक और, बी ए एम डैम, डी ए एम डैम बताओ, इसका रैमिक बताओ, डी ए एम डैम का रैमिक बताओ, वर्ड बनाओ उससे, डैम हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, जैम, जे ए एम जैम, और वर्ड बताइए, अतुल प्रकाश बताओ, अतुल प्रकाश बताओ, एम ए एम मैम भी किसी ने बताया है, वेरी गुड थैंक यू, वेरी गुड। और आर एम राम, तो ये हमारे ओके 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 ओके, चलो तो ये हमारे कौन से वर्ड है, ये हमारे कौन से वर्ड है, ये वो वर्ड है जो कि हमने ए साउंड पर, अच्छा एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले तो आप बात करना बंद करें, अदरवाइज मैं म्यूट हो गया, अदरवाइज यू विल बी म्यूटेड, अगर आप क्लास से बात करेंगे तो फिर मैं म्यूटेड, तो फिर म्यूटेड हो जाएगी, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, जब टीचर आपसे बात कर रहा है तो उनकी बात सुनना चाहिए है ना। देखो एक साथ मैं तो आप बच्चों को पूरे पूरे क्लास के बच्चों को नहीं पहचानती ना,
तो मैं जब आपको बता रही हूँ तो थोड़ा सा सुनो, है ना? ओके, बट बच्चे बहुत अच्छे हैं. ओके, सो दिस वॉज ए साउंड. अब हम लोग क्या करेंगे? हमने बताया ना वावल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू. अब हम आते हैं ई साउंड. ठीक है, ये आपने बनाया है, कितना सुंदर, कितने वर्ड्स आपको आते हैं, वेरी गुड. नाउ कम टू ई साउंड. ओके, ई साउंड पहला लेटर मैं बताऊंगी, वर्ड बाकी वर्ड आप बनाएंगे उसमें से. ठीक है, जैसे कि बी ई डी बेड. दूसरा कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड, जिसने मुझे बताना है वो हाथ उठाएगा. अर्णव राय, बोलिए अर्णव, बोली दो, बताइए. बेड दूसरा वर्ड क्या होगा? देखो आपको आता है कि बोलो अर्णव, आपकी आवाज कट गई अर्णव. अच्छा ओके, स्वरा गुप्ता, चलो स्वरा गुप्ता अनम्यूट करो, स्वरा गुप्ता अनम्यूट करो. चलिए बीई डी बेड मैंने लिखा और आपने बताया आर ई डी रेड. अब तीसरा कौन बताएगा? तीसरा कौन बताएगा? स्वरा गुप्ता ने अनम्यूट किया हुआ था. आर्यन मिश्रा बताइए, आर्यन मिश्रा बताइए. नहीं, आपको यही तीन वर्ड यूज, लेटर यूज करना है. यू हैव टू यूज वन कॉन्सोनेंट, वन वावल एंड वन कॉन्सोनेंट. आपका फॉर्मेट यही है, बी ई डी रेड आर ई डी रेड. फिर क्या होगा? आपको साउंड पर, साउंड पे ध्यान रखना है बेटा, आपको साउंड पे ध्यान रखना है. ओके, आदित्यांश पांडे बोल, वेरी गुड. बोली, बोलो, बी ई डी बेड हो गया है, आर ई डी रेड हो गया है. मैं बताती हूँ आपको, एफ ई डी फेड, खाना खिलाना. ठीक है, एल ई डी लेड. ओके चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर पे देती हूँ मैं आपको, देखो कितने लोग मजा आ रहा है. अब बनाते एम ई एन मेन, क्या होगा दूसरा वर्ड, क्या होगा जिसके जो भी अर्णव शुक्ला बताओ, मैन का दूसरा वर्ड क्या होगा? बताइए. अच्छा कुछ बच्चे शांत से बैठे हैं, हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए. बोलो आदित्यांश पांडे, आप अनम्यूटेड हैं, बताइए. आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, इसकी आवाज तो पहुंच नहीं पाएगी. एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए बच्चे लोग, एक मिनट, एक मिनट रुकिए. मुश्किल ये है ना, आप लोग अनम्यूट कर ले रहे हैं और फिर म्यूट नहीं कर, आपको म्यूट भी करना चाहिए. ठीक है ना? ठीक है, चलो वापस हम क्लास में चलते हैं, क्योंकि अगर मैं आप एक बार जवाब दे रहे फिर अगर म्यूट कर ले आप, तो आपको सबकी आवाज सुनाई देंगी, है ना? देखिए मेन लिखा था मैंने आपके लिए, मैंने कहा मेन लिखो. अब आप लिखेंगे मेन के बाद कौन सा वर्ड हो सकता है बताइए? मेन अपने हेन सुना है, हेन. फिर देन, जिसमें की शेर रहता है, देन. और आप जिस पेन से लिखते हैं, इट इज पेन. चलो मैंने आपके लिए वर्ड पूरा कंप्लीट कर दिया, अगला आप करेंगे, मैं नहीं करूंगी इसमें कोई हेल्प. ठीक है, फर्स्ट वर्ड इज गेट, जीई टी गेट. ओके, ये बताएगा अतुल प्रकाश. बोलो दूसरा वर्ड, दूसरा वर्ड बताओ, गेट बताओ. अच्छा आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? स्वरा गुप्ता चलो अनम्यूट करो, स्वरा गुप्ता अनम्यूट करो. एक साथ सारे बच्चे नहीं बोल सकते, बोलिए गेट के बाद कौन सा वर्ड होता है? वेरी गुड, वेरी गुड स्वरा, एन ई टी नेट. चलो स्वरा स्वरा म्यूट करो अपने आपको. प्रांजन मंडल, प्रांजन मंडल, प्रांजन मंडल बताओ. नेट के बाद कौन सा,
अब आप अगर एनिमेट कर प्रांजल क्या होगा एनीथिंग नेट के बाद देखिए मैं बताइए ए बोलिएगा देख रहा है बेटा ध्यान से देखो गेट अगर आप इसी तरह का एक वर्ड एनीथिंग नेट इसका इसी पे कौन सा वर्ड हो सकता है बताओ हम जब बीते हैं वी कॉल इट डब्ल्यू ई टी वेट बोलते हैं हाँ या ना बोलो आपको नींद आ रही है नहीं बेटा क्लास में तो नहीं सोना चाहिए ये कौन बच्चा है जो ऐसे उछल रहा है अतुल प्रकाश पढ़ने बैठे हो आप उछल रहे हो ऐसी पढ़ाई होती है नव्या भारद्वाज नव्या भारद्वाज अनम्यूट करो अपने आप को तीसरा चौथा वर्ड बताओ नव्या चौथा वर्ड बताओ गेट नेट वेट एक और yes, बताओ क्या होगा yes. गेट जी ई टी गेट एन ई टी नेट डब्ल्यू ई टी वेट और एक और वर्ड बता दो आप लोग बोलते हैं इसे मैम प्लीज लेट मी अनम्यूट लेट मी अनम्यूट गेट अनम्यूटेड लेट कर दे प्लीज करते है ना हाँ जी अब एक और वर्ड देती हूँ देखो ये सारे थ्री लेटर वर्ड्स हैं ये क्या सारे थ्री लेटर्स वर्ड है बी ई जी बेग क्या वर्ड होगा दूसरा बताओ व्हाट विल बी द सेकंड वर्ड बी ई जी बेग कौन बोलेगा रेज योर हैंड वनिता बहुत सुंदर नाम है आपका वनिता स्मिथ बोलिए बेटा एली जी ले बी जी बेग दूसरा वर्ड क्या हो सकता है क्या हो सकता है यहाँ पे अभी यहाँ लिखा देखो बहुत बच्चों ने हाथ उठाया है आप अनम्यूटेड हैं आप बोल ही रहे हैं बोलना तो पड़ेगा ना बेटा अतुल प्रकाश बोलो कुछ बच्चों का हाथ मुझे यहाँ दिख रहा है मैं उन्हीं से पूछ पा रही हूँ इसलिए बोलो बी ई जी बैग तो दूसरा वर्ड क्या होगा बोलो 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 बट आप घर में ऐसे चिल्ला के बातें करते हैं हाँ अगर आप स्कूल में होते हैं तो आप ऐसे चिल्ला के बातें करते हैं वेरी बैड ऐसा जोर से नहीं बात करते हैं आप तो अपने मोबाइल के सामने है ना आप चिल्लाएंगे तो ऊंची आवाज यहाँ भी आएगी ओके चिल्ला के जवाब नहीं देना है ठीक है लेग बेग और क्या हो सकता है हो गया और क्या हो सकता है हाँ बोलो आगे बोलो एल ई जी लेग हो गया नहीं आता किसको नहीं आता बताओ आपने ये सारे तो यूकेजी पढ़े हुए हैं फर्स्ट लेसन ही आपका था मुझे याद आता ए साउंड ई साउंड तो आपके तो ये पढ़ाई हुई हुई होगी एल ई जी लेग बी ई जी बैग पी ई जी बैग है ना हाँ चलो अब हम दूसरा एक वर्ड दे देते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी हो अब हम लोग क्या करते हैं दूसरे साउंड पे चलते हैं ओके ए ई तीसरा वावल क्या है कौन बताएगा व्हिच इज द थर्ड वावल आई यस बहुत आई आई मैम यस आई अच्छा जो भी अनम्यूटेड है वो सारे म्यूट करो तो अपने आप को जो भी अनम्यूटेड है वो सारे म्यूट करो अपने आप को क्योंकि ये गलत बात हो रही है आप लोग बात कर रहे हैं है ना अब आई से कुछ वर्ड्स मैं हेडिंग वाले वर्ड्स देती हूँ आप बाद नीचे वाले बताएं अर्णव राज आप खेल रहे हो अर्णव ओ सॉरी आरव 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 आप खेल रहे बेटा खेलने के मूड से हो हाँ मैम आप तो खेल रहे हैं वर्षा गांधी आप भी पढ़ाई के मूड में नहीं है वर्षा गांधी नाम इतना सुंदर है आप कहाँ देख रहे बेटा पढ़ाई के मूड में आइए चलिए आई से हमने आगे एक कॉन्सोनेंट देना है पीछे एक कॉन्सोनेंट देना है और बीच में आई लगाना है ना चलो पहला वर्ड मैं बताती हूँ बाकी कौन बताएगी ये क्या गांधी है कौन गांधी है भाई वर्षा गांधी चलिए मैंने पहला वर्ड दिया आपको बिल आप बताएं दूसरा वर्ड क्या होगा वर्षा बोलिए
दूसरा वर्ड क्या होगा? बिन, हाँ टाइम ही बताओ, बिन दूसरा वर्ड क्या होगा? डबल वाइट, अच्छा आरव राय आप बता दीजिए, आरव राय आप बता दीजिए, बी आई एन बी, हाँ बोलो। नहीं पता मैम, नहीं आता है, मैं बताऊंगी तो आपको बोलेगा कि आपको आता है, बी आई एन बिन, टी आई एन टिन, फिर पी आई एन पिन, होता है, होता है नहीं होता, हाँ यस मैम, एफ आई एन फिन, सॉरी एफ आई एन फिन, फिन मतलब मछलियों के फिन्स होते हैं जिससे वो तैरती हैं, आपको पता है ये चीज, यू नो दिस, हाँ तो आपको पता तो है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड मैं फिर दे रही हूं आपको, देखिए आप दूसरा, दूसरा वर्ड क्या दू क्या दू, चलिए मैं आपको देती हूँ, बी आई जी बिग, इसका तो कोई भी बता सकता है, दूसरा वर्ड क्या हो सकता है? रानी मैडम बताइए, बी आई जी बिग, टाइमिक वर्ड क्या होगा इसका? कौन करे वर्ड इसी बाबल को यूज करते हुए? अनुभव प्रकाश, सर पे हाथ रखा है, बी आई जी बिग, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बोलो ना, बोलो ना, आपकी दीदी आपको हेल्प कर रही है फिर भी नहीं बोल रहे आप, बोलो देखो, बी आई जी बिग, बी आई जी डिग, डिग का मतलब किसी चीज को खोदना, गड्ढा बनाना है ना, उसके बाद फिगर, एफ आई जी फिग, एंड लास्ट बी आई जी पिग, सही है? चलो अरे इतना तो स्क्रीन लिखा हुआ है, आप सुधारे तो अपनी कॉपी में, हाँ किसने बताया डब्ल्यू आई जी विग, वेरी गुड, यस डब्ल्यू आई जी विग, ये विग भी होता है जो हम लोग नकली बालों पहनते हैं ना, वेरी गुड, देखो मैंने कहा ना इस क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं, करो आप, ओके चलिए बेटा, ये मेरा अपना क्लास नहीं है ना, मैं इस क्लास को तो नहीं पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे आज मना मौका मिला, मैंने सोचा तुम लोगों से थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें शेयर करो, इसीलिए मैंने आज श्यामली मैम से क्लास लिया, उनकी क्लास में घुस पड़ी हूँ, उन्हीं का क्लास था ना, हाँ चलो, वैसे बी आई डी पेड क्या हो सकता है? आप क्या हो? व्हाट आर यू पीपल? व्हाट आर यू पीपल? के आई डी किड हो ना, बी आई डी बिड, के आई डी किड, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? Did you have your lunch? तो did, D-I-D, did. Yes, ma'am. जिसने किसने बताया? उसके बाद पेंसिल के ढक, पेन के ढक्कन को कहते हैं एल आई डी लिड, सही है, ठीक है ना? जो सो ये थे हमारे साउंड वर्ड्स, अच्छा चैट बॉक्स में बच्चे लिखते हैं, मैम वानिका आप अनम्यूट कीजिए, मैंने किया था बेटा, आपको भी किया है, अर्णव शुक्ला को भी किया है, ओके चलो अब क्या करते हैं, इस स्क्रीन को हम हटाते हैं, है ना, इस स्क्रीन को हम हटाते हैं, हम नया स्क्रीन लेते हैं, इसमें कि हम लोग ओ और यू साउंड करें, है ना, अब लोग हम लोग ने ए ई आई किया, अब हम लोग ओ और यू साउंड करते हैं, ओ एंड यू साउंड, ऐसे ओ वाले वर्ड्स हम ढूंढेंगे, हम ऐसे ही ओ वाले वर्ड्स ढूंढेंगे, न्यू लेना है ना, सॉरी मैंने वही ले लिया, चलो ये मैं क्लियर कर लेती हूँ, चलो अब हम लोग ओ साउंड करेंगे, ठीक है, चलो मैं वही करूंगी, पीछे कॉन्सोनेंट आगे कॉन्सोनेंट बीच में, जैसे कि मैंने कहा, देखो फर्स्ट लेटर बताती हूँ, फर्स्ट वर्ड मैं बना रही हूँ, बाकी वर्ड आप बनाओगे, सी ओ टी कॉट, कॉट मतलब इसमें हम सोते हैं, बेड, आप बताएंगे कौन बताएगा ये? आर्यन मिश्रा, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, कॉट के बाद कौन बोले बेटा क्या होगा? हाँ
एच ओ टी हॉट, वेरी गुड, एच ओ टी हॉट. नेक्स्ट हो सकता है, नेक्स्ट क्या होगा, कौन बोलेगा, अनम्यूट करो अपने आप को. मानिका स्मिथ अनम्यूट करो, आरव राय अनम्यूट करो. नहीं बेटा, आपको आपको चलना है इसी तरह से ही है. सी ओ टी कॉट, बोलो क्या होगा, बोलो बोलो बोलो. एल ओ टी लॉट, वेरी गुड, या इट इज एल ओ टी लॉट, राइट. और क्या होगा, आपने कभी कोई चीज पर डॉट डाला, आर ओ टी रॉट, किसी ने कहा है आर ओ टी रॉट, सही है आर ओ टी रॉट. सी ओ टी कॉट, एल ओ टी नॉट, एच ओ टी हॉट, आर ओ टी रॉट. एंड इफ वेन यू गेट सम गिफ्ट यू से आई गॉट द गिफ्ट, जी ओ टी गॉट, सही है ना, सही है. ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड देखो, इवन पॉट भी हो सकता है, पी ओ टी पॉट, आर ओ टी रॉट. अब मैं नेक्स्ट वर्ड देती हूँ, एफ ओ जी फॉग, कुहासा. फॉग के बाद कौन सा वर्ड आ सकता है. आज का क्लास सिर्फ मस्ती वाला है बेटा, कुछ लिखने वाला काम नहीं है, आपकी मर्जी आप लिख के रखे, पर हम लोग ये तो आपके रिविजन क्लासेस कर रहे हैं ना, देखू आपको कितने वर्ड्स आते हैं. इसीलिए अभिरूप सिंह अनम्यूट करो बेटा. फॉग का क्या होगा, फॉग के साथ कौन सा वर्ड जा सकता है, किसके साथ में? बोलो किसके साथ में? फॉग, फॉग के बाद कौन सा वर्ड आएगा इसी की तरह साउंड करता हुआ, फॉग. डॉक्टर डी, फॉग, एल ओ जी लॉग, लॉग मतलब लकड़ी, पता है आपको, एफ ओ जी फॉग, एल ओ जी लॉग, टी ओ जी डॉग, आपको तो आता है ये सारा, आप नहीं बोल रहे हो. यस मैम. हाँ होता है ना. यस मैम. हाँ वेरी गुड. एच ओ जी हॉग, एल ओ जी लॉग, टी ओ जी डॉग. वेरी गुड, वेरी गुड, यस. नेक्स्ट वर्ड, वेरी गुड. नेक्स्ट वर्ड देखो तू, नेक्स्ट वर्ड देखो तो बेटा, नेक्स्ट वर्ड जी ओ डी गॉड, क्या होगा उसका राइमिक, गॉड का राइमिक क्या होगा, इसका राइमिक क्या होगा, परसू, क्या होगा, आर ओ डी गॉड, फिर से बोलो, देखो आर ओ डी गॉड, वेरी गुड, आर ओ डी रोड, वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट क्या होगा, पी ओ डी पॉड. नेक्स्ट क्या होगा, सी ओ डी कॉड, है कि नहीं, ये वर्ड्स आपको जानने चाहिए बच्चे, ये सारे वर्ड्स आपको जानने चाहिए, क्योंकि ये आपके वर्ड को, आपके वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेगा. अभी आप छोटे हैं, आपको सिर्फ इतना ही छोटी छोटी चीजें आपको याद करनी है, आप ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही लर्न कर पाएंगे, है ना. अब जो बच गया है वो यू साउंड वो भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि शायद क्लास मेरा खत्म खत्म की तरफ है. वी हैव गॉट ओनली 4 मिनट्स. चलो यू का भी कुछ वर्ड्स कर ही लेते हैं हम, हैं चलो. जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड दिया कब, सी यू बी कब. दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, आप हाथ को क्या करते हो, रब, आर यू बी रब, टी यू बी टब, है कि नहीं, सही बोला, एंड बी यू बी डब, टबिंग होती है आवाज की, सिमिलर. और वर्ड लिखिए एस यू एन सन, क्या हो सकता है, हमने अभी फन किया, एफ यू एन फन, क्या हो सकता है, जस्ट गेट यहां से रन करते हुए जाओ, आर यू एन रन. और हमारे जितने भी बॉयज फ्रेंड हैं उन सबको जी यू एन गन पसंद होता है, सही है ना, सो इट इज जी यू एन गन. देखो ये सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो दो कॉन्सोनेंट और एक वावल से मिलके बने हैं, बीच में एक वावल डाला है और आगे पीछे कॉन्सोनेंट्स हैं, सही है ना, आपको ऐसे वर्ड्स बनाने आने चाहिए.
हाँ मैम, थैंक यू. एक और वर्ड बनाते हैं, अभी भी दो मिनट है, एक और वर्ड बनाते हैं. बी यूटी बट क्या होगा? बी यूटी कट, हमने कट किया है केक. टी यूटी कट, वेरी गुड. एन यूटी नट, हम खाते हैं बादाम, खाते हैं अखरोट, खाते हैं द नट्स. एंड देन वेरी गुड, एच यूटी हट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, इट वॉज अ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू पीपल. बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बच्चे हैं, सबने बहुत सब ये किया है ना. चो फिर से अगर कभी मौका मिला आई विल टेक योर क्लासेस. ठीक है, मजा आया आपको भी? ओके चल, सो टिल वी मीट अगेन, कभी मुझे फिर मौका मिला फिर मैं आपका क्लासेस ले लूंगी, थोड़ा बहुत आपसे भी मजाक कर लूंगी, थोड़ा हमारा भी टाइम अच्छा होगा. ओके टिल देन, बाय बच्चा लोग. Bye.